जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस बार वट सावित्री व्रत की सही तिथि और साथ ही जानेंगे सुहागन महिलाएं इस समय करें पूजा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले व्रत उपवासों में वट अमावस्या को बेहद उत्तम व प्रभावशाली व्रतों में से एक माना गया है। इसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करके सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शिव पार्वती और सावित्री सत्यवान की पूजा कर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। इस साल 2022 में वट सावित्री व्रत को लेकर कई महिलाओं में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। तो आइए जानते हैं इस बार वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का सुमुहूर्त क्या होगा, वट सावित्री व्रत किस दिन करना चाहिए, इसे लेकर विरोधाभास है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत करना चाहिए, इसलिए दक्षिण भारत में महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत रखती हैं, जबकि कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाना चाहिए, इसलिए उत्तर भारत में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा है। आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत सुमुहूर्त के बारे में। उदया तिथि के आधार पर इस साल 2022 में वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई को दोपहर 2:54 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई को शाम 4:59 पर। सर्वार्ध सिद्धि योग होगा सुबह 7:12 पर। साथ ही सुकर्मा योग होगा सुबह से रात 11:39 तक। पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:51 से दोपहर 12:46 तक। इस दिन सर्वार्ध सिद्धि योग सुबह 7:12 से लग रहा है। ऐसे में सर्वार्ध सिद्धि योग में पूजा से संबंधित कार्य करना अत्यंत फलदायी और मनोवांछित फल प्रदान करेगा। आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। इस बार वट सावित्री व्रत को लेकर विरोधाभास बना है, क्योंकि अमावस्या तिथि 29 को दोपहर 2:54 पर शुरू हो जाएगी और 30 मई को शाम 4:59 पर समाप्त हो रही है। कुछ शास्त्रकारों का मानना है कि जिस दिन चतुर्दशी वृद्ध अमावस्या हो उसी दिन वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। अगर इस दिन अमावस्या तिथि कम से कम 3 मुहूर्त की हो, इस बार ऐसा संयोग बना है। वहीं कुछ मतानुसार जिस दिन सूर्योदय काल में अमावस्या तिथि लग रही हो उसी दिन वट सावित्री व्रत किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस बार 29 और 30 मई दोनों ही तिथियां वट सावित्री व्रत के लिए उचित हैं। जो महिलाएं 30 को वट सावित्री व्रत रखेंगी वो सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि 30 मई सोमवार को सोमति अमावस्या का दुर्लभ संयोग है, जो सुहागनों के लिए सबसे उत्तम व्रतों में से एक है।